Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. Well, Rupali Ganguly ने एक recent media interaction में कहा है कि उन्हें as Anupama के role में cast करके Rajan Shahi ने उस time पे एक risk लिया था. अब ये risk क्यों है? तो रूपाली का ये कहना है कि जिस वक्त Rajan Shahi ने उन्हें cast किया था, उनकी उम्र 42 थी, वो अपने 40s में जो हैं थी. और एक ऐसे रोल के लिए जो कि शो का लीड रोल है, शो का मेन रोल है, उसके लिए एक 40s में जो एक्टर है उसे कास्ट करना, स्पेशली रूपाली जो है काफ़ी लंबे समय से ब्रेक पे थी, तो ऐसे में एक ऐसे एक्टर को कास्ट करना जो अपने 40s में है और काफ़ी लंबे समय से ब्रेक पे है, ये काफ़ी रिस्क था. क्योंकि रूपाली का कहना ये है कि आजकल लोग माँ के कैरेक्टर के लिए भी कोई भी एक्ट्रेस जो अपने 40s में हो या 50s में हो उसे कास्ट नहीं करते, बल्कि एक यंगर एक्ट्रेस को ही कास्ट करते हैं जिनकी उम्र काफ़ी कम रहती है रियल में, लेकिन उन्हें कास्ट यू नो एज अ मदर किया जाता है फॉर अ ग्रोन अप किड. और ऐसे में Rajan Shahi ने रूपाली का कहना है कि काफ़ी सही डिसीजन लिया, बिकॉज रूपाली की जो कैरेक्टर है अनुपमा, उसकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसे ही किसी एक्टर को कास्ट किया जाए जो अपने 40s में हो. रूपाली सेज दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि लोग अनुपमा से कनेक्ट कर पाए, उनसे कनेक्ट कर पाए, उनके कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए. वेल डेफिनेटली व्हाट Rajan डिड, इवन इफ इट वाज अ रिस्क, वी मस्ट से इट हैज़ पेड ऑफ ब्यूटिफुली, क्योंकि आज अनुपमा जो है देश का नंबर वन शो है, हर कोई इसे प्यार करता है, काफ़ी सारे अवार्ड से नवाजा गया है. बात करें अगर करंट ट्रैक की, तो करंट ट्रैक में ये बताया जा रहा है कि अनुपमा बहुत जल्द अमेरिका जाएंगी, और फिलहाल जो मान है, जो अनुपमा और अनुज है, वो एक दूसरे से दूर है, उनके रास्ते अलग हो गए हैं. तो आप अगर ये शो देखते हैं तो हमें ज़रूर बताइए आपको इस शो की सबसे खास बात क्या लगती है और क्या आप करंट ट्रैक से खुश हैं. आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए Glitz Vision USA को. दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एंड यू आर वॉचिंग Glitz Vision USA. कीप वॉचिंग.